कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुट्टू भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार रात आई रिपोर्ट में गुड्डू पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और वे शुगर के पेशेंट भी हैं। उनके हालात ठीक है। गुड्डू के परिवार और उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। गुड्डू सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सक्रिय थे, क्षेत्र में लगातार घूमकर लोगों से मिल रहे थे। संभवतः इसी दौरान वे संक्रमण की चपेट में आए। 2018 के विधानसभा चुनाव के समय गुड्डू और उनके बेटे अजीत ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। सांवेर से कांग्रेस के विधायक रहे तुलसीराम सिलावट के भाजपा में शामिल होने के बाद गुड्डू ने फिर से कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। भाजपा में रहते हुए गुड्डू ने सिंधिया और सिलावट पर लगातार जुबानी हमला किया था, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें नोटिस थमाया था। इसके बाद जवाब में गुड्डू ने कहा था कि वो पहले ही भाजपा से इस्तीफा दे चुके थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार गिराने का काम किया है इस तुलसी सिलावट ने। हमें विचार यह करना है कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार गिराई है और आप लोगों ने सारे क्षेत्र को कलंकित करने का काम किया है तुलसी सिलावट ने, उसको सबक सिखाने का काम करना है। कल शाम की रिपोर्ट में प्रेमचंद गुड्डू जी पॉजिटिव पाए गए, जो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। वैसे वो कोमॉर्बिड हैं, डायबिटिक हैं। फैमिली में और कोई भी ट्रेसिंग की गई है? जी हाँ, जब भी पॉजिटिव होता है कोई तो फैमिली पूरी ट्रेसिंग में रखी जाती है, तो ट्रेसिंग शुरू हो गई है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के सैंपल लिए जा रहे हैं। उनके अलावा कोई और घर में पॉजिटिव नहीं? कोई पॉजिटिव जी। Thank you.